जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्यूरियस सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 2023 में लेखपाल की भर्ती आएगी कि नहीं। आप सभी को पता है कि 2022 में पेड़ 2021 से रिलेटेड जो भर्ती आई थी सबसे ज़्यादा वो थी लेखपाल की, 8000 प्लस सीट थी, जिसके लिए पेड़ 2021 से कट ऑफ बना हुआ था मुख्य परीक्षा के लिए, जिसमें 61 मार्क्स पेड में कट ऑफ गई थी। इस बार भी अनुमान मतलब न्यूज़पेपर में आ रहा है और उत्तर प्रदेश ट्रिपल एससी भी कह रही है कि 4000 प्लस सीटें जो हैं लेखपाल की अभी खाली हैं, जो पेट 2022 एग्जाम से भरी जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर बात ये क्वेश्चन ये उठता है कि नोटिफिकेशन आखिर कब तक आएगा, कट ऑफ कितनी जा सकती है और एग्जाम कब होगा। तो ये भर्ती 2023 में ही आएगी, पेट 2022 जो लोग दिए हैं वो लोग ही इसके लिए सिर्फ एलिजिबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं कितनी सीटें हैं, तो 4000 और 4500 ये दो सीटें लोग बता रहे हैं कि 450 सीटें हैं लगभग, इसके लिए आवेदन पत्र भरे जाएंगे। तो कब तक भरे जाएंगे इसका कोई भी डेट नहीं है, लेकिन मानकर चलिए आप कि 27 अगस्त के बाद से ही भरे जाएंगे। क्यों? क्योंकि 27 अगस्त को जूनियर असिस्टेंट 2022 का एग्जाम है, इस एग्जाम के बाद ही नोटिफिकेशन आएगा। तो इस तारीख को आप लोग याद रखिए या मत याद रखिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम आपको जब भी भर्ती आएगी तो बता देंगे। तो ये मान के चलिए कि अगस्त के लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, उसके लिए फॉर्म भराए जाएंगे। उस फॉर्म की एलिजिबिलिटी ये रहेगी कि जो 2022 पीटी एग्जाम दिए हुए हैं लड़के मतलब स्टूडेंट, वही अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिपल सी की कोई जरूरत नहीं है, ट्रिपल सी नहीं रहेगा इसके लिए एलिजिबिलिटी में, ट्रिपल सी की जरूरत नहीं पड़ती है। वो ग्राम विकास अधिकारी यानी ग्राम पंचायत अधिकारी इन दोनों के लिए सिर्फ ट्रिपल सी मांगता है, इसके लिए ट्रिपल सी नहीं चाहिए, सिर्फ 12वीं पास और पेट 2022 जो लोग दिए हुए हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी, ट्रिपल सी नहीं चाहिए, कट ऑफ कितनी जाएगी। तो कट ऑफ मान कर चलिए 4000 सीटें हैं, तो इसका लगभग कितना, 30 गुना लोगों को बुलाएंगे, लगभग 120,000 से ज्यादा लोगों को बुलाएंगे एग्जाम के लिए, मतलब मुख्य परीक्षा के लिए। तो आप मान कर चलिए कि 65 प्लस इसका कट ऑफ जाएगा, पेट 2022 में 65 प्लस मार्क्स यानी नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है 65 प्लस चाहिए। परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मार्क्स की बात कर रहा हूं, जो नॉर्मलाइज्ड परसेंटेज है मतलब मार्क्स है आपका, वो 65 प्लस जिसका भी है वो लोग इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, ये नहीं कट ऑफ की बात। अब एग्जाम इसका कब तक हो सकता है, तो देखिए अभी तक जब फॉर्म का ही डेट नहीं आया है तो एग्जाम की बात ही क्या किया जाए। लेकिन एक अनुमान क्या था, अगर 27 अगस्त तक इसका आ जा रहा है क्या नोटिफिकेशन, तो ये मानकर चलिए अगले साल 2024 में इसका एग्जाम हो सकता है, 2024 के जनवरी या फरवरी तक इसी के बीच में एग्जाम होगा। इस साल इसका एग्जाम नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी की बाकी हैं, उन सब के बाद ही ये एग्जाम होगा। अभी आपको पता है बहुत सारे वैकेंसी आ चुकी हैं जो थोड़ी थोड़ी मात्रा पे आ रही हैं, जैसे आपको पता है कि ग्राम पंचायत अधिकारी का आया, उसका भी अभी कट ऑफ नहीं डिक्लेयर हुआ है। आई टेस्टिंग ऑफिसर का आया है, स्टैटिकल ऑफिसर यानी ऑडिटर का आया है, और उसके बाद सांख्यिकी अधिकारी का भी जो फॉर्म भरा रहा है, एक्सरे टेक्नीशियन का भी आ चुका है जो इसी के द्वारा है, डेंटल टेक्नीशियन यानी दांत वाला जो था वो भी 2022 के पेट से ही हो रहा है। वो सब हो जाएगा उसके बाद ही है, नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है मतलब अगस्त के लास्ट तक। तो आप लोग लेखपाल की तैयारी शुरू कर दीजिए अगर करना चाह रहे हैं तो। इसके बारे में अपडेट देना था आपको तो मैंने ये दे दिया अपडेट। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली जो भी भर्तियां हैं यूपी और यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित सारी हमारे चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर इससे संबंधित जो कोई भी नोटिस आता है या क्यूज भी वहां पर डेली होती है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद।